एसएफआई छात्र संगठन का जिला स्तरीय सम्मेलन रामपुर में शुरू हो गया है। इस 3 दिवसीय सम्मेलन से पहले जिला भर के विभिन्न महाविद्यालयों से आए छात्रों ने रामपुर बस अड्डा होते हुए बाजार में रैली निकाली और धरना प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग थी कि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाए। एसएफआई छात्र संगठन का जिला स्तरीय सम्मेलन रामपुर में शुरू हुआ। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में पहले जिला भर के विभिन्न महाविद्यालय में आए छात्रों ने रामपुर बस अड्डा होते हुए बाजार में रैली निकाली और धरना प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग थी कि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाएं। प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में लिंग संवेदनशील कमेटियों का लोकतांत्रिक तरीके से गठन होता ताकि छात्राएं अपनी बात आसानी से कमेटी के समक्ष रख सकें। छात्रों ने सरकार की नई शिक्षा नीति का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इससे छात्रों को मजबूरन निजी शिक्षण संस्थानों का रुख करना पड़ेगा। उन्होंने छात्रों की छात्रवृत्ति जल्द जारी करने व छात्रों में बढ़ रहे नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रभावी प्रयास की मांग रखी है। धरना प्रदर्शन के बाद शुरू 3 दिवसीय सम्मेलन शुरू हुआ जिसमें साल भर की रणनीति बनाई जा रही है। एसएफआई के राज्य सचिव अमित ठाकुर ने बताया कि रामपुर में रैली और सम्मेलन में भाग लेने जिला भर के कॉलेजों से छात्र आए हैं। उन्होंने बताया कि छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं किए जा रहे हैं और छात्रों का स्कॉलरशिप 3 सालों से जारी नहीं किया गया है और जल्द परिणाम घोषित करने की व्यवस्था सरकार करे। उन्होंने बताया कि छात्रों में लगातार नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इससे युवा बर्बाद हो रहा है। इस दिशा में छात्र क्या प्रयास कर सकते हैं, सम्मेलन में चर्चा होगी। जैसे शिमला जिला का जो सम्मेलन रामपुर के अंदर होने जा रहा है, इस सम्मेलन के माध्यम से हम एक जो विशाल रैली यहाँ पर शिमला के अंदर करने जा रहे हैं जिसमें पूरे जिला भर के तमाम कॉलेजों से छात्र यहाँ पर आया है और उनकी जो रोजमर्रा की समस्याएं हैं, वो चाहे कॉलेज के अंदर उनकी स्टाफ की कमी की समस्या है या उनके जो रिजल्ट की समस्या है, इन तमाम समस्याओं के साथ साथ जो कॉलेजों के अंदर लिंग संवेदनशील कमेटी हमारी जो है हर कॉलेज के अंदर होनी चाहिए, वो जो है अभी तक कॉलेजों के अंदर नहीं बनाई गई है। अगर बनी है तो उसमें जो है छात्राओं की भूमिका जो है नहीं है, तो वो जो है कमेटी का गठन हर कॉलेज के अंदर किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो कॉलेजों के अंदर छात्रों की स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, उस स्कॉलरशिप को भी जो है छात्रों को दिया जाना चाहिए ताकि जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्र से छात्र आता है उसकी जो आर्थिक मदद उसमें जो है पढ़ाई के अंदर हो सके। इन तमाम मांगों को एसएफआई जिला अध्यक्ष रमन ने बताया कि रैली कर मांग उठाई गई है कि छात्र संघ चुनाव बहाल हों। पिछले 6 वर्षों से लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं हुए हैं। सभी शिक्षण संस्थानों में लिंग संवेदनशील कमेटियों के लोकतांत्रिक तरीके से गठित किए जाएं ताकि छात्राएं ऐसी स्थिति में अपनी बात निष्पक्ष तरीके से रख सके। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति छात्र हित में नहीं है। मेरा नाम रमन ठाठौर, मैं जिला शिमला का प्रेसिडेंट हूँ। तो हम जो आज ये रैली यहाँ पे कर रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य जो पिछले तकरीबन 6 साल जो ऐसे चुनाव बैन किए गए हैं पूरे प्रदेश के अंदर और यूनिवर्सिटी और प्रदेश सरकार जो है इसके अंदर छात्रों की जो समस्याएं हैं दिखते हैं उसको सुनने के लिए आज तैयार नहीं है। इस मुद्दे को लेकर हम आज ये रैली कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो लिंग संवेदनशील कमेटी की हम यहाँ पे मांग कर रहे हैं वो डेमोक्रेटिक तरीके से कैंपस के अंदर बनाई जाए। आज हम तमाम कॉलेज के अंदर देखते हैं किसी भी कॉलेज के अंदर डेमोक्रेटिक तरीके से कोई भी लिंग संवेदनशील कमेटी का गठन नहीं किया गया, जिसका नतीजा है जो छात्राओं को कैंपस के अंदर समस्या आती है, जो छेड़खानी की समस्या आती है, वो आज सीधे सीधे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। इसलिए हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक तरीके से उसे बनाया जाए। इसके अलावा जो नई यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।